टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। बुमराह को स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है और इसकी वजह से अब वो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। आपको याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में भी जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे। उन्होंने बीसीसीआई की मेडिकल टीम को ये बताया था कि उनकी कमर में तकलीफ है। इसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उनके स्कैन करवाए और उसमें ये साफ हो गया कि जसप्रीत बुमराह बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं। हालांकि बुमराह को सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह 6 महीने तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जसप्रीत बुमराह अगर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा। फिलहाल अभी 2 नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम सामने आ रहा है मोहम्मद शमी का, क्योंकि मोहम्मद शमी का नाम टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार है। तो ऐसे में हो सकता है कि मोहम्मद शमी टी20 वर्ल्ड कप में आपको जसप्रीत बुमराह की जगह खेलते हुए दिखाई दें। इसके अलावा दीपक चाहर भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। दीपक चाहर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में शिरकत की थी और उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे। तो ऐसे में दीपक चाहर का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दीपक चाहर को पीछे छोड़ते हुए मोहम्मद शमी इस रेस में आगे निकल जाएं, क्योंकि दीपक चाहर को भुवनेश्वर कुमार का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट माना जाता है। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार पहले से ही टीम में मौजूद हैं, तो मोहम्मद शमी इस रेस में आगे निकल सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर जिससे बुमराह इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। दरअसल स्ट्रेस फ्रैक्चर एक ऐसी इंजरी होती है जो किसी भी तेज गेंदबाज की पीठ में हो सकती है। इसमें सूजन संबंधी सेल्स का बढ़ना और फिर हड्डियों में सूजन आ जाना आम बात होती है, और इस सूजन की वजह से ही खिलाड़ी तेज गेंदबाजी नहीं कर पाता। MRI में चोट के बारे में पता चल जाता है, मगर सूजन उस समय फ्रैक्चर में बदल जाती है जब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और वैसे भी आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह कमर की तकलीफ की वजह से ही पहले एशिया कप से बाहर थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में भी वो टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उनकी कमर की तकलीफ ठीक नहीं हुई थी। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में भी जसप्रीत बुमराह की कमर की तकलीफ सामने आई और इसी वजह से वो एहतियात के तौर पर पहला टी20 मैच नहीं खेले थे। लेकिन अब स्कैन के बाद ये साफ हो गया है कि जसप्रीत बुमराह की पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है और इसकी वजह से अब वो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।